Good afternoon, students. How are you? I hope all are fine. And today we are going to start a very interesting chapter. That is how camel got his hump. You can see hump of the camel. Before the camels, they didn't have a hump. They had a flat back. How they got the hump? Let's read this interesting story. Here, in a desert, there was a camel, okay, and there was an horse. What happened? One day, camel, he was roaming about in the desert. Horse went there. He said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." You know, the horse's trot. Horse ke chalne ke tarike ko trotting kehte. Camel ne kaha, "Hum." Okay, then let's begin the chapter now. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, दुनिया के शुरू में ही बात है जब वर्ल्ड नया नया बना था और एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. उस समय आदमी जानवर जो थे वो आदमियों के लिए काम करना शुरू ही किए थे. देर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट. नाउ एक कैमल था. कैमल माने ऊंट. आप देख सकते हैं यहाँ ऊंट बैठा हुआ है. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट. और गरजते हुए हाउलिंग माने जहाँ पे आवाज़ गूंजती है, एको होती है, वहाँ पर एक डेजर्ट में रहता था. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. यू सी ही हैज गॉट अ फ्लैट बैक. नेट द शुरू में उसकी बैक देख रहे हैं आप, कैसे फ्लैट थी. एंड ही इज डिडंट वॉन्ट टू वर्क, अ लेजी फेलो. ही एट स्टिक थॉर्न्स एंड प्रिकल. व्हाट डिड ही ईट? ही ईट स्टिक थॉर्न्स एंड प्रिकल. स्टिक्स माने डंडियाँ, थॉर्न्स माने कांटे, और प्रिकल्स भी कांटे वाले पौधे. ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, ही इज ईटिंग. When somebody spoke to him, he said, "Hum, just hum and no more." बस हम हम करता था, कुछ बोलता नहीं था. Presently, a horse came to him on Monday morning. In the beginning, you saw a horse talking to him with a saddle on his back. There was a saddle on his back and said, "Camel, look, camel, come out and trot like the rest of us." उसके पीठ पे एक जीन थी और उसने आके कहा, आओ हमारे संग ट्रॉट करो, हमारे संग काम करो, हमारे से ऐसे चलो. हम सेड द कैमल. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उसने नहीं सुना और वो वहाँ से चला गया. और उसने जाके कंप्लेन किया. किसको कंप्लेन किया? टू मैन को. बिकॉज दुनिया नई नई बनी थी और जानवर जो थे वो इनके लिए काम करने लगे थे, इंसान के लिए. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. फिर एक डॉग आया विद अ स्टिक इन इट्स माउथ. यू कैन स्टिक इन हिज माउथ. उसके मुंह में डंडी थी. एंड सैड. और उसने क्या कहा, ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में. सबसे पहले नंबर वन पे हॉर्स गया था. एंड ही टोल्ड हिम, कम एंड ट्रॉट लाइक अस. सो ही सेड हम. ही डिडंट कम. देन डॉग केम. डॉग, व्हाट डॉग सेड? कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने कहा, आओ और सब डंडियाँ बीनो, हमारी तरह उठा के लेके चलो. एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम लोग डंडियाँ बीन रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तुम भी चलो हमारे संग काम करो. कैमल अगेन ही सेड हम. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. डॉग चला गया बेचारा. उसने भी जाके कंप्लेंट किया मैन को. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. अब कौन आया? एक ऑक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक. उसके सर पे एक गर्दन पे हल रखा हुआ था. हल आप जानते हैं, इससे खेती करते हैं, प्लाउइंग करते हैं. कम कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने कहा, आओ हमारे साथ से खेती करो, हमारे साथ जैसे हम कर रहे हैं ऐसे तुम भी खेती करो. हम सेड द कैमल. कैमल ने कहा, चलो चलो तुम चलो. ऐसे ही एक्शन में बोला होगा. यू कैन अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है. अरे जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मेरे को मत बोलो. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. ऑक्स बेचारा भी चला गया. एंड ही टोल्ड द मैन. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स and the dog and the ox together. अब जब दिन खत्म हुआ, पूरा दिन ये तीनों बेचारे काम करते रहे. और at the end of the day man ने इनको बुलाया and said, three oh three, तीन तुम लोग तीन हो, I am sorry for you, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है. क्या दुख है भाई? But that hum thing in the desert can't work. उसने कहा, वो जो hum thing है ना, तब तक लोग उसका नाम नहीं जानते थे कि camel है.
क्योंकि नई नई दुनिया बनी थी. तो ही सेड वो जो हम थिंग है दैट हम थिंग ही इन द डेजर्ट कांट वर्क, वो तो पढ़ नहीं का काम नहीं करता, और ही वुड हैव बीन देयर हियर बाय नाउ. मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट एबल ऑफ वर्किंग, उसमें क्षमता ही नहीं है काम करने की. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको करने दो जो करना है. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुमको उसके बदले का काम करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू डू द डबल टाइम, अपना वर्क भी करना है और कैमल के हिस्से का काम भी मेकअप करना पड़ेगा. यू हैव टू कवर इट अप, मेकअप मीन्स कवर, तुमको उसको कवर करना पड़ेगा. बेचारे डॉग हॉर्स और अपना काम भी करें और अब उसका काम भी करें, दिस वॉज नॉट करेक्ट, इज़न्ट इट, इट्स नॉट जस्टिस. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, वो तीनों गुस्सा हो गए. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उन्होंने पंचायत बुलाई डेजर्ट के किनारे, एज मीन्स किनारे पर. एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और कैमल वहाँ पे च्यूइंग करता हुआ, च्यूइंग आप जानते हैं ना, ऐसे ऐसे अपने मुंह को हिलाना चबाना, जैसे भैंस आपने देखा होगा वो अपना खाती रहती है बैठी बैठी. ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन, उसने कहा हम और वो चला गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. तभी वहाँ पे एक जिन आया जो इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का, उसको डेजर्ट का जिम्मा दिया था, ठीक है. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो धूल उड़ाता हुआ, रोल करता हुआ धूल में आया. ये देखिए आप इन द पिक्चर यू कैन सी डॉग कैरिंग स्टिक. अब इन तीनों ने जाके जिन से कहा, बिकॉज ही वॉज इन चार्ज, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, सो ही हैव टू गिव आंसर वाई ही डज कैमल इज नॉट वर्किंग एंड वाई दे हैव टू वर्क डबल. सो दे सेड जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, आइडल माने फालतू विदाउट वर्क. सर्टेनली नॉट सेड द जिन, नहीं बिल्कुल नहीं. वेल सेड द हॉर्स, देर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट. उसने कहा एक थिंग है, एक चीज है जो मिडल ऑफ द डेजर्ट है, डेजर्ट के बीचों बीच में रहती है, उसकी लंबी सी नेक है, लंबा सा लंबी लंबी लेग्स हैं, पैर हैं, एंड ही डजंट हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने एक तिनका भी काम नहीं किया, जरा सा भी काम नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से. ही वोंट ट्रॉट, और वो चलने को भी तैयार नहीं है. यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी जाते हुआ, क्या दैट्स माई कैमल, ओ अच्छा उसकी बात कर रहे हो, तो मेरा कैमल है. वॉट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इसके बारे में. ही सेज हम एंड ही वोंट प्लाउ, उसने कहा हम कहता है और प्लाउ भी नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता. वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट फॉर अ मिनट, उसने कहा मैं उसको भी हम्प कर दूंगा. हम्प करने का मतलब यहाँ पर मैं उसको भी ठीक कर दूंगा. आई विल मेक हिम फाइन नाउ, वेट जस्ट वेट फॉर अ मिनट. नाउ व्हाट हैपेंड, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन द डस्ट क्लोक. अब जिन तो जिन है, उसको पैदल तो चलना नहीं है, तो ही रोल्ड हिमसेल्फ, गोल 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 घूमता हुआ अपने डस्ट, अपने धूल से भरे हुए कपड़ों में, क्लोक माने जो लंबा सा कोट पहनते हैं वो, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो पूरा डेजर्ट क्रॉस करके, पार करके. अक्रॉस माने क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, अक्रॉस. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि बड़े मजे से कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन यानी अपनी परछाई देख रहा था, किसमें, इन द पूल ऑफ वाटर. ये देखो ये जिन आ गया है, और जिन अपना रोलिंग करता हुआ डस्ट करता हुआ आया है, क्लोक यही इसके वस्त्र हैं, यही इसका कपड़ा है, इसको उड़ाता हुआ आया है, और इसने आके देखा कि ये बड़े मजे से अपनी परछाई देख रहा है, रिफ्लेक्शन देख रहा है परछाई इन द पूल ऑफ वाटर. ठीक, माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द जिन सेट डाउन विद द चिन इज इन हैंड, जिन ने अपने चिन रख लिया, इसमें भी आप देख सकते हैं चिन पे हाथ रखी है वो थोड़ी पर, है ना. व्हाइल द कैमल लुक्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ द वाटर, कैमल अपनी परछाई देखता रहा. यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, उसने कहा उन बेचारों को तीन एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया है मंडे मॉर्निंग से, क्योंकि यू आर आइडल, तुम फालतू आवारा घूम रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो,
said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. और वो अपने चिन पे हाथ रखे रखे सोचता रहा. सो ही टोल्ड कैमल कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बदले में तुम्हारे जो वर्क है वो उन तीनों को बेचारों को डबल वर्क दे दिया गया है. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट, है ना, ये जस्टिस नहीं है. सो बट कैमल ही वॉज सो डम, ही डिडंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग. और वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता रहा, अपने आप को प्रेज करता रहा, अपनी ब्यूटी को देखता रहा कि हाउ ब्यूटिफुल आई एम. ओके, फिर क्या हुआ? हम, सेड द कैमल. कैमल ने कहा हम, जिसकी आदत थी. पर जिन तो था इंचार्ज पूरे डेजर्ट का. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, उसने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा हम ना कहता. सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. उसने कहा यू, तुमको ये बार बार नहीं बोलना है, और तुमने उसको बहुत बार बार बोलते हो तुम इसको और कोई काम नहीं करते हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम अगेन, जिन ने उसको वॉर्न किया कि डोंट से दिस ऑफन, बार बार मत बोलो हम हम और काम करो. लेकिन कैमल तो ढीठ था, लेजी था, ही सेड हम. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज ब्लैक बैक. जैसे ही उसने बोला हम, कैमल जिन को गुस्सा आ गया. और उसने क्या देखा कि उसकी बैक, कैमल की बैक अपनी उसने देखा. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इन टू अ ग्रेट बिग हम. और उसने देखा कि उसकी जो पीठ थी वो फूलनी शुरू हो गई, फूलती गई फूलती गई, और पीठ में एक बड़ा सा हम्प बन गया. हम्प माने कूबड़. और उसकी पीठ में एक बड़ा सा कूबड़ निकल आया. ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिज बैक, अपनी ब्यूटी का वो इतना घमंड करता था. और लेकिन जिन ने उसको वॉर्न किया कि डोंट से हम अगेन, आई एम गेटिंग एंग्री. इनडायरेक्टली इट वॉज ही मेंट दैट ओनली दैट डोंट यूज दिस वर्ड हम हम अगेन, इट्स इरिटेटिंग मी एंड यू बेटर वर्क नाउ. बट द कैमल ही न्यू दैट नथिंग विल हैपन टू हिम एंड ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट. सो ही सेड हम अगेन एंड एज सून एज ही सेड हम, जिन पनिश्ड हिम एंड देयर वॉज अ great big hump on his back. Did you see that? said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. उसने कहा ये तुम्हारा अपना hump है, ठीक है, जो तुमने खुद तुम लाए हो अपनी पीठ पर काम ना करके. Today is Thursday, आज Thursday है, and you have done no work since Monday. और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. When the work began, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. उसका मंडे से काम शुरू हुआ है और आज थर्सडे हो गया, तुमने एक भी दिन कोई काम नहीं किया है, अब तुमको काम करना पड़ेगा. क्या? हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक. अब कैमल बेचारे को चिंता हुई, अब बोला वो, अरे मैं इतने बड़े हम्प के संग, पीठ में इतना बड़ा कूबड़ा आपने दे दिया, इसके संग मैं कैसे काम करूँगा. दैट हैज़ अ पर्पस. उसने कहा उसका एक पर्पस है, रीज़न है. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. उसने कहा तुम बिना कुछ खाए हुए 3 दिन तक काम कर सकते हो, इसका एक कारण है. इसीलिए हम दिया कि 3 दिन तक तुम लगातार काम करते रहना और तुम्हें ना खाने की चिंता करनी है ना पानी पीने की चिंता करनी है. इस हम्प से तुमको सब कुछ मिल जाएगा. Because you can live on your hump, तुम इस हम्प के भरोसे जीत सकते हो. And don't you ever say I never did anything for you. और ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. Come out of the desert and go to the tree and behave. चलो अब इस desert से बाहर निकलो और बिहेव करो, तमीज़ से रहो, सबके संग कॉपरेट करो, डू योर वर्क. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री. और कैमल वहाँ से फिर चला गया और उसने जाके उन तीनों को ज्वाइन कर लिया, हॉर्स डॉग और ऑक्स को. एंड फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से टू दिस, उस दिन से लेके आज तक, द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प. वी कॉल इट हम्प. अब उसको हम हम्प बुलाते हैं, उसको हमेशा बेचारे को तब से लेके आज तक उसकी पीठ पे वो हम्प है. क्यों? नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग. ऐसा नहीं उसको तकलीफ देने के लिए, उसकी भावनाओं को हर्ट करने के लिए. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. पर इसलिए क्योंकि वो कभी भी कॉट अप, कभी भी वो पूरा नहीं कर पाया, वो कवर अप नहीं कर पाया वो 3 दिन, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे शुरू के जो उसने मिस किए थे. एंड ही हैज़ नेवर लर्न टू बिहेव. और आज भी उसको बिहेव करना नहीं आता. आज भी ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स, टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड ऑल दीज थिंग्स ही हैजंट लर्न. दैट्स वाई द हम्प इज देयर ऑन हिज बैक टिल नाउ.
So isn't it? So interesting it was. How did you like the story? I hope you enjoyed it. Now you can see beautiful pictures here. See the dog coming to the camel and saying, come work with us. He says, hum. All of you say, hum. Yes. Okay. Now you can see here horse with a saddle. So horse is here with a saddle. This is called saddle. Jean jo peeth pe kasi jaati hai usko saddle bolte hain. This is ox with a yoke plowing the field. Ye yoke hoti hai, isko hal bolte hain hindi mein. Aur ye field mein plow kar rahe hain, bechare kaam kar rahe hain. Ye dekho. Camel taking rest, eating thorns and pickles. Ye dekho lazy camel so raha hai majhe se. Aur ye thorns kha raha hai aur pickles kha raha hai, kaante kha raha hai. Ye sab. Ye dekho. The camel in the desert doesn't work, and if we tell him to work, he says hum. वो जाके सब तीनों मिलके complain कर रहे हैं जिन को कि एक camel desert है जो काम नहीं करता. जब उसको कुछ काम करने को बोलो तो वो कहता है हम. पहले उन्होंने man को कहा, फिर उन्होंने जिन को कहा. man ने तो उल्टा उन्हीं को ज़्यादा काम दे दिया, पर जिन ने कहा okay. जिन ने उसको set right किया. Now you see the last picture. इसमें देखो उसने उसको बोला था ना कैमल, उसने जिन ने बोला डोंट से हम, और जैसे ही उसने हम बोला यहाँ उसकी पीठ बिल्कुल सही थी, ये पफ आउट हो गए, ये उसकी पीठ पे कुबर निकल आया. सो जिन लिखना था यहाँ, जिन DJINN ट्राइंग टू मेक कैमल अंडरस्टैंड एंड अल्टीमेटली पनिशिंग कैमल विद हम. और इस तरह से कैमल का हम्प निकल आया. आपको पता है कि कैमल के हम्प में क्या होता है? There is fat in it, which give him carbohydrate and protein during the time when he's in the desert. There is no water in it. There is only fats situated. इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं. I hope you enjoyed the lesson. So please subscribe my channel for more videos coming up. And I want to tell you that I have started a full grammar course starting from the very basics noun. Till the end we will do it. Okay, thank you. Have a nice day. Here you can say man in the desert, camel, tall, sturdy. Here you can see the qualities of camel. Tall, sturdy, he works for man. And what he eats, we can write. Characteristics, we can write. Okay, characteristics. Okay, thank you. Bye.